हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक जायसवाल आज आपके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री का चैप्टर 1 क्लास 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो इस चैप्टर को आज हम समझेंगे और इसके सारे कॉन्सेप्ट भी हम समझेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में इनके आंसर अच्छे तरीके से कर पाएँ इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को। चैप्टर का नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो आपको जैसे पता ही होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि मैटर क्या होता है, और सराउंडिंग का मतलब भी आपको पता होगा कि सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर जो भी चीज़ है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। तो मैटर यानी पदार्थ हिंदी में कहते हैं इसको। अब मैटर की डेफिनेशन यहाँ पर मैंने लिख रखी है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो वो मैटर होता है। तो डेफिनेशन से तो आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, पर कई बार आप इसको अच्छे तरीके से फील नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में क्या मैटर है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ हमारे चारों ओर जो जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो सारी चीज़ उनमें कुछ न कुछ मास होता है और कुछ न कुछ वो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, तो वो सारी क्या है, मैटर है। तो जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे हाथ में जो मार्कर है इसका भी कुछ न कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो ये क्या है, मैटर है। ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, इसका भी कुछ न कुछ मास होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी, ये भी क्या होगा, मैटर होगा। इसके अलावा हमारी बॉडी, क्लाउड, एयर, वाटर, चॉक, डस्टर, हर चीज़ क्या है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो क्या है, मैटर है। तो यहाँ से तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है। अब थोड़े से हम इसके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना होगा हमें कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, थोड़ा एग्जांपल लिख लेते हैं जिसको आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। तो क्लाउड, चॉक, वाटर लिख लेते हैं एग्जांपल, एयर एक्सेट्रा। अब थोड़ा सा एक ये भी बात आती है कि मैटर, चलो हर चीज़ आपको मैटर नज़र आ रही है, फिर एक्चुअल में मैटर है क्या नहीं। तो मैटर आपने अगर इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़े होंगे, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन वाले जो वर्ड्स होते हैं वो मैटर नहीं होते हैं, जैसे कि लव, हेट, क्योंकि लव का कोई मास नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो लव क्या है, मैटर नहीं है। हेट भी नफरत नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं होते हैं। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अलावा एक और वर्ड मुझे याद आ रहा है, जो कि होता है आपके फोटोन। फोटोन क्या होते हैं कि आपकी जो लाइट होती है वो एक्चुअल में कंटिन्यूस नहीं होती है, उसके छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स का भी कोई मास नहीं होता है और कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है, तो वो लाइट्स के पैकेट जो फोटोन होते हैं वो भी क्या है, मैटर नहीं है। तो अब मैटर की स्टेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको पता ही होगा, आपने बचपन से पढ़ रखा होगा कि मैटर की जो स्टेट्स हैं वो तीन स्टेट्स होती हैं। एक स्टेट की बात करें, फर्स्ट स्टेट सॉलिड, आपको पता ही होगा, जिसको हिंदी में हम ठोस कहते हैं। दूसरी स्टेट होती है लिक्विड। थर्ड स्टेट होती है गैस। सॉलिड एग्जांपल तो बहुत सारे हैं इसके, सॉलिड के हर चीज़ सॉलिड है। आपने देखा होगा आपके चारों ओर काफ़ी चीज़ें सॉलिड दिखती हैं आपको, जैसे कि ये मार्कर हो गया, आपके कपड़े हो गए, आपकी बॉडी हो गई, इसके ये सॉलिड हो गए। लिक्विड में आपको पता है कि वाटर, पेट्रोल, डीजल, ऑयल, ये सारा क्या आता है, लिक्विड में आता है। गैसेस, तो एयर सबसे पॉपुलर एग्जांपल गैस का, इसके अलावा सीएनजी, एलपीजी जो आपके घरों में यूज़ होती है, गाड़ियों में यूज़ होती है वो, तो ये सारे काय के एग्जांपल हैं स्टेट्स के। और ये तीनों स्टेट्स क्या हैं आपकी, मैटर के तीन फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो थोड़ा मैं रेज आउट करता हूँ इसे। अब मैटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पर। मैटर की चार प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल क्या होते हैं, कण, छोटे छोटे, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। अब आपको कई बार डाउट होता है कि यहाँ पर जैसे हम सैंड को देखते हैं, शुगर को देखते हैं, सॉल्ट को देखते हैं, तो हमें यहाँ पर देखकर ही महसूस होता है कि ये पार्टिकल से बने हुए हैं, पर कई चीज़ें जो होती हैं जिन्हें हम देखकर महसूस नहीं कर पाते हैं कि वो मैटर की बनी हुई हैं। जैसे आप किसी आयरन रॉड को लेते हो, तो आयरन रॉड में आपको ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूस होगा, उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत सारे पार्टिकल होंगे तो वो पार्टिकल से मिलकर बना होगा,
पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो भी कोई भी मैटर होता है, हर मैटर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, वो पार्टिकल्स को हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमें पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर हम उसे देख पाते हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। तो अब इसके लिए अब हमारे पास तो यहाँ माइक्रोस्कोप नहीं है, तो हम कुछ एक्टिविटीज़ करके देखेंगे, उस एक्टिविटीज़ की हेल्प से समझेंगे कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। तो एक एक्टिविटी की हम बात करते हैं, जिसमें हम एक बीकर लेंगे। बीकर में थोड़ा सा वाटर, लगभग 250 ml ले लो, और 250 ml वाटर लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा क्या ऐड करेंगे, शुगर को ऐड करेंगे। इसमें हमने शुगर ऐड कर दो लगभग 4 teaspoon। अब हमने जब इसमें 4 teaspoon शुगर ऐड कर दी, उस शुगर को ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा स्टीयर करेंगे। स्टीयर करने का तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि पहले जब शुगर डालने से पहले वाटर लेवल ये था, शुगर डालने के बाद भी वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है कि इस शुगर में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, और पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस होगी उसमें जाकर ये पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल के बीच में शुगर पार्टिकल मिक्स हो गए होंगे, तभी ये पॉसिबल हो पाया कि ये शुगर वाटर में आ गई और वाटर लेवल बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी एक तरह से शो करती है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। तो इसमें काफ़ी सारे आप इसको जगह आप शुगर के जगह सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कुछ चीज़ें आती हैं तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ये एक्टिविटी एक तरह से आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती है कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल, और शो द एक्टिविटी दैट इज़ रिलेटेड टू मैटर इज़ अ मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इस तरीके से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इस एक्टिविटी को लिख के आंसर कर सकते हैं। सेकंड है एक्टिविटी कि पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। तो पार्टिकल के बीच में, अब हम कहेंगे कि अरे यार पार्टिकल के बीच में स्पेस, ये भी बहुत ही इमेजिनरी चीज़ हो गई आपके लिए कि आपने कभी नहीं देखी होगी कि पार्टिकल के बीच में भी कोई स्पेस। पहली बार तो आपने पार्टिकल ही नहीं देखे, अब उस पार्टिकल के बीच में आपको स्पेस भी देखनी है। पर एक्चुअल में होता है ऐसा, जब हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के केस में होता है। सॉलिड में ये स्पेस काफ़ी कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में उससे भी ज़्यादा ये स्पेस होता है। तो इसके लिए भी आपने जो ऊपर वाली जो एक्टिविटी की थी वो एक्टिविटी आप रिपीट कर सकते हैं। कैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे कि शुगर जो सॉल्ट वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाकर सेटल हो गई थी, जिसके वजह से वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ था, ये तभी हुआ था क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस था। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस रहा, इस वजह से ही वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। तो ये एक्टिविटी अगेन शो करती है कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता। थोड़ा सा हम यहाँ पर इसी में थोड़ा सा पार्टिकल के साइज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या होगा, पार्टिकल कितने छोटे हो सकते हैं, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं इस एक्टिविटी से। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप थोड़ा सा वाटर लें, अगेन लगभग 1 liter ले लें। ये मैंने 1 liter वाटर लिया है, 1 liter H2O यानी वाटर। इसमें हम लगभग 5 drop इंक डाल देते हैं। जब इसमें हमने 5 drop इंक डाली, तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस वाटर का कलर चेंज होके ब्लू हो जाएगा, अगर ब्लू इंक है तो ब्लू कलर हो गया। उसके बाद आप इस एक्टिविटी को और आगे रिपीट कर सकते हैं। उसमें आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा सा वाटर इसमें से लगभग 200 ml निकाल लीजिए।
अगेन यहाँ पर कोई एक लीटर वाटर अगेन होगा, उसमें मिक्स कर दीजिए। तो आप इसको देखेंगे कि इसका कलर अगेन कैसा हो जाएगा, अगेन ब्लू कलर होगा, पर कैसा होगा, लाइट ब्लू। अब फिर अगर अगेन एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा वाटर निकाल के अगेन एक बीकर में थोड़ा सा वाटर लेके थोड़ा सा पानी इसमें से निकाल के इसमें डाल देंगे तो ये अगेन फेडेड ब्लू हो जाएगा और थोड़ा उससे लाइट फेडेड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि इसके जो पार्टिकल्स थे, इंक के पार्टिकल जो इस 1 लीटर वाटर में आए, वो पार्टिकल सारे वाटर में मिक्स हुए। मिक्स होने के बाद हमने थोड़ा सा वाटर निकाला तो वो पार्टिकल हमने दूसरे बीकर में डाले तो अगेन वो सारे में मिक्स हो गए। उसमें से अगर हमने थोड़ा सा वाटर निकाला, तीसरे बीकर में डाला तो उसमें भी उसका कलर चेंज हो गया। आप इवन 1000 लीटर के साथ भी कर सकते हैं, तब भी थोड़ा सा कलर मामूली चेंज होगा। तो ये एक्टिविटी एक तरह से शो करती है कि वो 5 ml में इंक ड्रॉप में कितने बहुत सारे पार्टिकल थे जो अगेन बार बार अलग अलग कंटेनर में जा रहे हैं और अपना असर शो कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इवन इतने छोटे होते हैं कि अगर एक ड्रॉप की बात करें तो एक ड्रॉप में मिलियंस में पार्टिकल होते हैं। तो इनका आप साइज का आप इमेजिन करने में भी आपको प्रॉब्लम होगी कि इतने छोटे हैं ये। अब ये तो हो गई हमारी 2 प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हमारी 3rd प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। इसका मतलब ये हुआ कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो इसको भी समझने के लिए हमें अगेन एक्टिविटीज़ को देखना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि सॉलिड में सर नहीं करते होंगे मूव, लिक्विड गैस में करते होंगे, पर ऐसा नहीं है, सभी में मूव करते हैं। हम आपको बताते हैं कैसे। अगेन अगर हम वाटर लेते हैं तो वाटर लेने के बाद ये अगेन हमारा वाटर है, इसमें अगर हमने इंक का 2 ड्रॉप भी डाले, 2 ड्रॉप इंक डाली है इसमें, यहाँ पर इंक के ड्रॉप गिरेंगे, आप 10 मिनट बाद लगभग या 5 मिनट बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरे वाटर का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। पूरा वाटर कैसा हो गया, उस इंक के वजह से ब्लू हो गया है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो पार्टिकल्स जब इसके अंदर गए तो उन्होंने अपनी मूवमेंट ऑटोमेटिकली की, तभी तो ऐसा हो पाया। अब एक और इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके घर में आपकी मम्मी जब पूजा करती हैं तो अगरबत्ती जलाती हैं, और वो अगरबत्ती जलने के बाद आप देखते होंगे कि वो मंदिर में जलाई है और आप बाहर रूम में बैठे हुए हैं, तब भी आपको उसकी स्मेल आ जाती है। और उसकी स्मेल क्यों आ रही है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो मूव करके आपके नाक तक, नोज तक पहुँचे हैं, इस वजह से आपको वो स्मेल आई है। तो ये भी यहाँ पर भी पार्टिकल का आपको मूवमेंट दिख रहा है। पार्टिकल मूवमेंट कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे ये पार्टिकल्स होते हैं हर चीज़ में, कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ पर वाटर ले लो या गैस ले लो, इस तरीके से पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, इनकी रैंडम मूवमेंट होती है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इनकी मूवमेंट हमेशा चलती रहती है। और ये मूवमेंट रैंडम होती है, इस मूवमेंट को हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट, जो कि आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, 11th-12th में आएगा। अब ये मूवमेंट होता है क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे क्लास 9th में, तो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि मोशन के वजह से होती है। मतलब कोई चीज़ अगर स्पीड में है तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो कोई भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर भी यही काइनेटिक एनर्जी होती है, इस वजह से ये पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। सॉलिड में ये मूवमेंट जो होता है वो बहुत ही फिक्स एरिया में होता है, पार्टिकल वहीं के वहीं मूव कर रहे होते हैं, और जो कि हम अपनी आईज से नहीं देख पाते हैं, पर मूवमेंट सॉलिड के अंदर भी होता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ये है कि ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास में एक आयरन रॉड पड़ा है कि आप उसको तोड़ दो, आप उसको तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको खाली होना पड़ेगा, जो कि आप नहीं हो। तो इसको तोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तोड़ना तो पॉसिबल नहीं है, पर आप तोड़ किस चीज़ को सकते हो, चौक को तोड़ सकते हो, पेंसिल को थोड़ी सी ताकत लगा के तोड़ पाओगे, मार्कर
को तोड़ना बहुत ही टफ है, क्योंकि मैंने देखा है मेरे हाथ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आप तोड़ नहीं पा रहे हो। और तोड़ना क्यों मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। पर आप यहीं पानी ले लो, पानी में आप ऐसे इजीली हाथ घुमा दोगे, वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। गैस में आप इजीली चल लेते हो क्योंकि एयर गैस है, तो वहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड में बहुत ज़्यादा, लिक्विड में बहुत कम और गैस में उससे भी कम। और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो चीज़ उतनी ही हार्ड और रिजिड होती जाएगी, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा वो चीज़ उतनी ही वीक होती जाएगी। तो ये इस तरीके से हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप किन किन चीज़ों को तोड़ सकते हो, चौक को ईजिली तोड़ सकते हो क्योंकि इनके बीच में क्या है, स्पेस कम है। आप अगर आयरन रॉड ले लोगे तो जिसको आप नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। पेन को आप एक बार ब्रेक कर सकते हो। तो ये सारा कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। ये कुछ क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, उनमें से कुछ दो क्वेश्चन मैंने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। तो यहाँ पर एग्जांपल है चौक, एयर, लव, स्मेल, हेट, ऑलमंड्स, थॉट्स, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम आ जाता है एग्जाम में, कई बार पूछ लिया जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो चौक मैटर है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ मैटर है, क्योंकि इसका कोई मास है तो ये क्या है, मैटर है। एयर, अब एयर का भी क्या होता है, कोई ना कोई मास ज़रूर होता है, आपको ना आप नहीं मेजर कर पाते वो आपकी प्रॉब्लम है, पर एयर का भी मास होता है क्योंकि आप एयर के मास को, आपने वर्ड सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है कि आपके ऊपर जो एयर है उसका मास आपके ऊपर पड़ रहा है, तो जो आप प्रेशर फील कर रहे हो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एयर का मास होता है, इसका मतलब एयर भी क्या है, एक तरह का मैटर है। लव, लव का कोई मास नहीं है। आपसे अगर आपसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं कोई मास दे रहा हूँ आपका या मेरा लव में कोई मास है। तो लव क्या है, कोई मैटर नहीं है। फिर बात करते हैं स्मेल, स्मेल में भी कोई मास नहीं होता है अगेन, तो स्मेल भी क्या है, मैटर नहीं है। हेट, हेट में भी नहीं है कोई मास, हेट यानी नफरत। आलमंड्स, बादाम में तो होता ही है मास जो आप खाते हो। थॉट्स, अब कितना भी आप सोच लो, सोचने में कोई वजन नहीं होता, बात करते वक्त जरूर हम बोल देते हैं कि यार वजन है तेरी बात में या सोच में, पर प्रैक्टिकली कोई मास नहीं होता, तो थॉट में भी कोई मास नहीं है। कोल्ड, सर्दी लग रही है तो भी कोई मास नहीं है, सर्दी में कौन सा मास हुआ। फिर बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें मास होता है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, अगेन इसमें भी कोई मास नहीं होता है, तो ये भी मैटर नहीं है। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जांपल चेंज हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाइए और आंसर दे सकते हैं। फिर है गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये आपने घर में भी महसूस किया होगा, जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो वो कोई सब्जी बना रही हो जो आपकी फेवरेट है, तो आपके मुंह में पानी आने लगता है क्योंकि उस फूड की स्मेल आप कहीं भी दूर बैठे होते हैं तब भी आपके नाक तक आ जाती है। पर अगर मान लो बाय चांस आप उस समय घर पे नहीं रहे और आप दिन में या शाम को आए जब खाना आपका सुबह ही बन चुका है, तो आप बाहर से नहीं पता कर पाओगे कि आपके घर में क्या बना हुआ है, उसके लिए आपको जाकर चेक करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका एग्जाम्पल जो है उसका रीज़न है ये, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है, जो फूड जितना हॉट होता है, हॉट होने के बाद उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था कि एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी पार्टिकल क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड में होंगे, मोशन में होंगे। तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल्स दूर दूर तक ट्रैवल करेंगे, और दूर दूर तक ट्रैवल करेंगे तो उससे क्या होगा, फूड की जो स्मेल है वो भी दूर तक जाएगी, और स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर अवे। तो ये आपके, आप इसके बारे में लिख सकते हो, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी
ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ हॉट सीजलिंग फूड हैव हायर काइनेटिक एनर्जी, दैट्स वाई स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेज सेवरल मीटर अवे। तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। एक और क्वेश्चन आता है इसके बारे में पूछा जाता है, अगेन क्वेश्चन देखना पड़ेगा, अब ये आपके लिए थर्ड क्वेश्चन। ड्राइवर तो गाड़ी का होता है, यहाँ पर हमें ड्राइवर यानी हिंदी में कहते हैं जिसे गोताखोर, जो पानी में जाते हैं, जो आपने डिस्कवरी वगैरह चैनल पर देखे होंगे। तो ड्राइवर जो होता है वाटर कट स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसमें इजीली डाइव कर देता है, वाटर को कट कर देता है, आगे चला जाता है, ऐसा मैटर की किस प्रॉपर्टी के वजह से हो रहा है। तो ये आपसे पूछा है कि कौन सी प्रॉपर्टी मैटर की शो करती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी जो शो करती है वो हमने पढ़ी थी, सेकंड प्रॉपर्टी पार्टिकल है स्पेस बिटवीन देम। तो ये प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस होने की वजह से वो डाइवर जो होता है वो वाटर को इजीली कट कर देता है। और दूसरा एक प्रॉपर्टी इसमें आप वो भी जोड़ सकते हो, जोड़नी पड़ेगी आपको, जिसमें ये बताना पड़ेगा कि पार्टिकल हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट लिक्विड हैव लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स वाई डाइवर इज इजीली एबल टू कट द वाटर इन अ स्विमिंग पूल। तो ये आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी लिखोगे पार्टिकल्स हैव आंसर में, तो ये आप इस आंसर में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी था, अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।